DJ Moral Stories. प्लास्टिक बॉटल का ढाबा। ये कहानी है पार्वती और उसके बेटे रिंकू की। पार्वती का इस दुनिया में रिंकू के अलावा कोई नहीं था। उसका पति उसके साथ धोखा करके सब कुछ लेकर भाग गया था। फिर पार्वती सड़क पर आ गई। रिंकू तब बहुत छोटा था और पार्वती अपने बेटे को कहीं नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो उसके साथ ही काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। भाई, तुम्हारी दुकान पर कोई काम हो तो मुझे दे दो, मैं कोई भी छोटा मोटा काम कर लूंगी। अरे बहन, मेरी तो छोटी सी परचून की दुकान है, भला इसमें मैं तुझे क्या काम दूं? माफ करना बहन, पर मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। फिर पार्वती दूसरी दुकान पर जाती है। भैया, तुम्हारे मेडिकल स्टोर पर कोई काम है जो मेरे लायक हो? मुझे कोई काम दे दो, मैं कोई भी काम कर लूंगी। तुम्हारी दवाइयों की देखरेख कर लूंगी, दुकान की साफ सफाई कर लूंगी, कुछ भी काम कर लूंगी, बस काम दे दो। अरे बहन जी, मेरी तो छोटा सा मेडिकल स्टोर है, भला इसमें मैं आपको क्या काम दूं? और यहाँ सिर्फ एक लड़का ही काम करता है, मेरे पास तो आपके लिए कोई काम नहीं है, क्षमा करें। पार्वती बिचारी पूरा दिन इधर से उधर, इस दुकान से उस दुकान, नौकरी की तलाश में भटकती रहती है, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। फिर वो थक हार कर एक ढाबे पर जाती है और हाथ जोड़ कर बोलती है, भाई, तुम्हारे ढाबे पर कोई भी काम हो तो मुझे दे दो, मैं बर्तन धो लूंगी, साफ सफाई कर लूंगी, लोगों को खाना भी खिला दूंगी, जो भी काम हो मुझे दे दो, मैं सब कर लूंगी, बस मेरे बच्चे को खाना खिला देना और मुझे दो वक्त की रोटी दे देना, आपका बड़ा सहारा होगा भैया, सुबह से भूखी हूँ और बच्चे ने भी कुछ नहीं खाया। अरे कोई बात नहीं बहन, मुझे भी ऐसी औरत की तलाश थी जो मेरे ढाबे की साफ सफाई कर दे, बर्तन साफ कर दे और लोगों को खाना खिलाने में भी मदद कर दे। मैं तुझे कुछ पैसे भी दिया करूँगा और तुझे दो वक्त की रोटी भी दिया करूँगा, पर मेरी ये शर्त है कि ग्राहकों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, सारा काम अच्छे से करना। भाई जी, तुम चिंता मत करो, तुमने मुझ पर भरोसा दिखाया है ना, मैं तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूंगी, मैं सब काम बहुत अच्छे से करूंगी, तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पार्वती बिचारी तभी से काम में लग जाती है और अपने बच्चे को दूध भी पिलवा देती है और खुद भी खाना खाकर ढाबे की साफ सफाई, गंदे बर्तन धोने में लग जाती है और ग्राहक आते तो उन्हें खाना भी खिलाती। ढाबे वाला भी उसकी देखरेख करता था और उसे समय पर खाना और पैसे भी दिया करता था। धीरे धीरे पार्वती पैसे भी जमा कर रही थी, लेकिन एक दिन एक शराबी ढाबे पर आता है। भैया, ये लो आपका ऑर्डर, आपने शाही पनीर और दो नान वाली रोटी मंगाई थी, ये लीजिए। पी मैंने है और चढ़ी तुझे है, बेवकूफ औरत, मैंने शाही पनीर नहीं दाल और कढ़ाई पनीर मंगाया था। नहीं नहीं भैया, आपने शाही पनीर और नान बोला था, मुझे अच्छे से याद है। बेवकूफ औरत, तेरी इतनी मजाल, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझसे बहस करेगी, मुझे नहीं खाना ऐसे ढाबे पे खाना, जा अपने मालिक को बुलाकर लेकर आ। शराबी शोर मचाने लगता है और खाने की प्लेट भी नीचे फेंक देता है। शोर की आवाज सुनकर ढाबे का मालिक आता है और पूछता है, क्या हुआ, इतना शोर क्यों मच रहा है? पार्वती, तुमने क्या कर दिया जो मालिक इतना गुस्सा कर रहे हैं? तुम जानती भी हो ये हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, हमें इनसे सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। नहीं नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, साहब ने शाही पनीर और नान का ऑर्डर दिया था, मैंने वही लाकर दिया, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने दाल का और कढ़ाई पनीर का ऑर्डर दिया था। तेरी इतनी औकात, तुम मुझसे झूठ बोल रही है,
आज के बाद मैं इस ढाबे की तरफ देखूंगा तक नहीं। खाना तो बहुत दूर की बात है, ये दो कौड़ी की औरत मुझसे झूठ बोल रही है। ढाबे वाला पार्वती को डांटने लगता है और कहता है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता मालिक, आपकी वजह से मुझे बहुत मुनाफा होता है। आप खुद भी आते हैं और अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर भी आते हैं, जिससे मुझे बहुत फायदा होता है। आप यहीं रुकिए, मैं इनको ही ढाबे से निकाल देता हूँ। ये कहकर ढाबे वाला पार्वती को नौकरी से निकाल देता है। बेचारी पार्वती दुखी होकर ढाबे से चल देती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो नौकरी से निकाल दिया और कहीं नौकरी भी जल्दी से नहीं मिलेगी, अब मेरे बच्चे का क्या होगा? पार्वती ये सब सोचती हुई परेशान रहती है। कुछ दिन तो उसके निकल जाते हैं क्योंकि उसने कुछ पैसे जमा किए हुए थे, लेकिन उसके बाद उसके बच्चे के और उसके पास पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चे को दूध भी पिला सके। फिर वो जगह जगह जाकर कूड़ा इकट्ठा करती है और जो जरूरी सामान होता है जैसे प्लास्टिक बोतल, कागज, किताबें, ये सब इकट्ठा करती है और जाकर कबाड़ी को बेचकर थोड़े थोड़े पैसे ले लेती है और अपना घर चलाना शुरू कर देती है। एक दिन वो कूड़ा इकट्ठा कर रही थी तो वो देखती है कि एक बहुत सुंदर बांस का ढाबा बना हुआ था जो देखने में बहुत सुंदर होता है। पार्वती उसे देखकर बहुत आकर्षित हो जाती है और मन में सोचती है, हे भगवान, कितना अच्छा बांस का ढाबा बना हुआ है। अगर मैं भी कुछ इस तरह से बनाऊं और चलाऊं तो लोग मेरे ढाबे की तरफ आकर्षित होंगे और मेरे खाने को भी पसंद करेंगे। वैसे भी मुझे खाना बनाना तो अच्छे से आता ही है। पार्वती अपने दिमाग लगाती है और वो प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करना शुरू कर देती है और सारी बोतलों को इकट्ठा करके उन्हें बांध बांध कर लकड़ी के सहारे से वो एक छोटा सा ढाबा तैयार कर लेती है और जो भी उसने पैसे जमा किए होते हैं उसमें थोड़ा सा खाने पीने का सामान लाकर वो खाना बनाना शुरू करती है। प्लास्टिक की बोतलों का ऐसा आकर्षित ढाबा देखकर लोग भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगे और खाना खाने आने लगे। लोगों को ढाबे का खाना भी बहुत पसंद आने लगा और धीरे धीरे पार्वती का ढाबा चलने लगा। धीरे धीरे पार्वती का बेटा भी बड़ा हो गया और अपनी माँ की मदद करने लगता है। माँ, आपने इतनी मेहनत की है, इस छोटे से ढाबे को आपने इतना प्रसिद्ध कर दिया है और लोग आपके खाने की और इस ढाबे की तारीफ करते नहीं थकते। मुझे आप पर बहुत गर्व है, आपने ढाबा भी चलाया और मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल भी बना दिया। बेटा, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, मैंने कभी हार नहीं मानी। तेरे पिता ने मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़ कर चले गए। मैंने ढाबे पर काम किया, खाना बनाना सीख लिया, कूड़े के ढेर से मैंने कूड़ा इकट्ठा किया, फिर ये प्लास्टिक की बोतल का ढाबा शुरू किया। बेटा, तू भी जिंदगी में चाहे कैसा भी वक्त हो, कभी हार मत मानना। पार्वती का ढाबा पूरे शहर में मशहूर हो गया और जिस ढाबे पर वो काम करती थी वो ढाबा बंद हो गया। ये बात ढाबे वाला बर्दाश्त नहीं कर पाया। ढाबे वाला अपने बेटे से, बेटा, जब से इस पार्वती ने हमारे पास ये प्लास्टिक का बोतल का ढाबा खोला है हमारा धंधा चौपट हो गया है। हम सड़क पर आ गए हैं, अब हमें कुछ करना ही होगा, नहीं तो हम भीख मांगने के लायक हो जाएंगे। बेटा, तू एक काम कर, मैं तो इसको ढाबे पर नहीं जा सकता, पर तू इसके ढाबे पर जाकर खाने में मिर्ची और जमाल गोटा मिला दे। हाँ, जिससे इसके ग्राहक नाराज हो जाएं और खाना छोड़कर चले जाएं और दोबारा कभी ना आएं। ढाबे वाला अपने बेटे को भेजकर पार्वती का खाना खराब करने की कोशिश करता है, पर रिंकू ढाबे वाले के बेटे को खाना खराब करते हुए देख लेता है और वो जब मिर्ची डाल रहा होता है तो रिंकू पंखा उसकी तरफ को घुमा देता है, जिससे सारी मिर्ची ढाबे वाले के बेटे की आंखों में चली जाती है। ये बात पार्वती देख लेती है और वो दौड़ी दौड़ी जाती है
और पानी लेकर बच्चे की आंख पर डालती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। सारी बात जानकर ढाबे वाले को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो पार्वती से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो पार्वती बहन, मैं स्वार्थ में इतना अंधा हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तेरी मेहनत को खराब कर रहा हूँ। आखिर जो भी तूने कमाया है अपनी मेहनत से ही कमाया है। अगर उस वक्त मैं शराबी का साथ न देकर तेरा साथ देता तो शायद आज तू मेरी यहाँ नौकरी कर रही होती। मैंने तुझे नौकरी से निकाला और आज तू मुझसे भी अच्छी ढाबे वाली बन गई है। तुमने मेरे बेटे की मदद की, धन्यवाद बहन। कोई बात नहीं भैया, मैं ये बात कभी नहीं बोलूंगी कि मैं सादा ही खाना बनाना जानती थी, लेकिन आपके ढाबे पर रहकर ही मैंने अच्छा अच्छा खाना बनाना सीखा। तो आपका तो मेरे जीवन में बहुत महत्व है। आपने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मुझे बहुत जरूरत थी, और मैंने ये प्लास्टिक का बोतल का ढाबा आपके ढाबे से कमाए पैसे से ही किया है। फिर पार्वती का प्लास्टिक बोतल का ढाबा और अच्छे से चलने लगा और उसने ढाबे वाले को भी अपना पार्टनर बना लिया और दोनों ने मिलकर अपने प्लास्टिक बोतल के ढाबे को बहुत अच्छे से चलाया।